हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम गुणनखंड करना सीखेंगे कि गुणनखंड आप किस प्रकार से सिंपल तरीका से कर सकते हैं। इसमें आपको एकदम बेसिक तरीका से सिखाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने यह पहला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x-18 का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको गुणनखंड करना होगा तो क्या करेंगे कि जो यहाँ पे अंक होगा इसका यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा। क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे आप गुणा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पे आप गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे एक है तो कितना गुणा करने के बाद आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब इसको 18 को दो ऐसे भाग में बांटिएगा जिसका गुणा करने पर 18 है, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए फ्रेंड्स, 3। तो बताइए फ्रेंड्स, दो संख्या कौन सा ले सकते हैं आप। देखिए 6 का 3, या 6 ले सकते हैं 3। देखिए 6 का 3 में करेंगे 36, 18 होगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर धन 3 की जगह क्या लिखेंगे आप, 6-3 लिखेंगे, और यहाँ पे एक्स तो एक्स, देखिए 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा, और 6 का 3 में करेंगे 36, 18 हो जाएगा। ठीक है, -18 यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर धन, देखिए 6 का x में करेंगे गुणा 6x हो जाएगा, माइनस तो माइनस, और 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, -18। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, दो दो का जोड़ा बना लीजिए, यहाँ से दो बना लीजिए। अब इन दोनों में संख्या में देखिए फ्रेंड्स कितना कामन है, तो आप इसमें से देख रहे हैं तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स कामन है आपका। यहाँ से बचेगा, देखिए यहाँ 2x है तो 1x निकाले तो कितना x बचेगा, 1x बच जाएगा। यहाँ पे धन है तो धन, यहाँ से x बाहर निकाले तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 6। ये कोष्टक बंद कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ माइनस है तो माइनस बनाएंगे, 3x और 18 में से कितना कामन है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 18, तो दोनों में से कितना कामन है, तो 3 कामन है, 3 यहाँ पे बनाएंगे, कोष्टक कर लीजिए। यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए जब यहाँ पे माइनस होगा तो जो अंदर जब चिन्ह रखता है तो चिन्ह बदल के रखते हैं, यानी कि जब यहाँ पे माइनस होगा तो इस चिन्ह को बदल देंगे, माइनस है तो क्या कर देंगे यहाँ पे, प्लस। और यहाँ से जब 3 कामन ले लिए तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार लिख लीजिए, एक्स प्लस 6 यहाँ पे भी, एक्स प्लस 6 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 6 एक बार। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स बनाएंगे, यहाँ पे -3 है तो -3 बना लेंगे, और यही फ्रेंड्स आपके क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप सिंपल तरीका से गुणनखंड कर सकते हैं।